चाय पीने का शौक सब लोगों को होता है, हमारे घर में भी सुबह से शाम तक कितनी ही बार चाय बन जाती होगी, ऑफिस में भी आप कहीं जाते हो, किसी के घर भी जाते होगे तो सब लोग आपको चाय ज़रूर देते होंगे। तो दिल्ली में मुझे मेरे बचपन के दोस्त ने बताया कि एक चाय खुली है, तंदूरी चाय के नाम से एक जगह है अल्फाज, जो है बत्रा सिनेमा के जस्ट बराबर में, शॉप नंबर 6। तो ये लेके आया, इसे पता लगा, ये बेंगलोर से आया और अभी जाने वाला है, स्पेशली हम लोग यहाँ पे चाय पीने आए हैं, तो थोड़ा बताएगा कि किस कहाँ से पता लगा, कहाँ से नहीं पता लगा। हाँ, तो मेरे फ्रेंड ने एक रिकमेंड किया था कि अगर दिल्ली जाए नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो तंदूरी चाय। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब कर रखा है उसने, फ्रेंड ने। हाँ सब्सक्राइब भी कर रखा है, वीडियोस भी देखता है। आप लोग भी कर लो सबसे पहले तो सब्सक्राइब। तो अब बता कि उसने क्या बताया। हाँ, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाए तो ये वाली तंदूरी चाय कुल्हड़ वाली जरूर ट्राई करियो। कुल्हड़ वाली नहीं, तंदूरी वाली भी। तंदूरी और कुल्हड़ के साथ। अच्छा, तो जैसे मुझे पता चला मैंने सबसे पहले आदित्य को फोन घुमाया कि आदित्य यू नीड टू कवर दिस, ये बहुत स्पेशल चीज है, यहाँ दिल्ली में अवेलेबल है। इसके साथ करनी थी क्योंकि इसने रिकमेंड किया था, ऐसे ही अगर आप भी रिकमेंड करोगे तो मेरी वीडियो में आप फीचर हो सकते हो। अभी हम लोग इस चाय को देखेंगे, अल्फाज नाम से ये शॉप है, कैसे ये बनती है, क्या इसमें डालते हैं, क्या इसमें यूनिक है, इनके ओनर से भी बात करेंगे, प्राइस भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। चाय पी लो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अल्फा तंदूरी चाय है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो आप चाय आराम से इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे फ़ैन है, ये रस है, मट्टी है और बिस्किट के साथ आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो चाय को। तो अभी मेरे को अनुज बताएगा कि यहाँ की चाय कैसी है। पी लेता हूँ पहले। हाँ पी ले भाई। इलायची का अच्छा टेस्ट आ रहा है और एक यूनिक टेस्ट है इसमें, जैसे गाँव में चूल्हे पर रोटी सीखी जाती है ना, वो वाला जो टेस्ट होता है, वो वाला यूनिक टेस्ट चाय के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। चाय यहाँ की रिकमेंड करनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल रिकमेंड करनी चाहिए, बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोग आइए ज़रूर पीजिए। अगर आप पीछे मौसम भी देखोगे ना, तो यहाँ पे मौसम भी इतना अच्छा हो गया है कि चाय वाला मौसम हो गया है। भैया यहाँ पे ये ओनर है हमारे साथ, पकौड़े बनाते हो आप? नो। चाय के साथ पकौड़े भी तो दिया करो जब बारिश हो जाती है। पकौड़े के लिए हम सोच रहे हैं एंड नई नई इनोवेशन जो तंदूर के अंदर आनी चाहिए, हम बिल्कुल सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, थोड़ा आप अपने जो यहाँ की ये अल्फाज है इसके बारे में बताओगे? एक्चुअली वी आर 5 फ्रेंड्स। ओके। हम 17 साल से एक साथ है पांचों। अच्छा। तो हमने जब विजिट किया एक जगह तो हमें चाय इतनी टेस्टी लगी कि हमने सोचा कि अगर वो चाय इतनी दूर पी के पीने जाना सके तो उसको क्या फ़ायदा। तो हमने सोचा कि दिल्ली में ही वो चाय हम दिल्ली वालों के लिए भी ले जाते हैं, दैट्स वाई वी ओपन द शॉप। एंड अल्फा जो नाम है वो हम पांचों के स्टार्टिंग अल्फाबेट से बना हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग 5 फ्रेंड्स हैं और इन्होंने सारे के सारे किसी का नाम ए से है, एल से है, पी से। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु इनका है। तो बाकी अल्फा में जो 4 लोग हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट लेके इन्होंने नाम बना दिया। Right. तो आप थोड़ा बताओगे कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? अभी हमें ओपन किए, इस शॉप को ओपन किए हुए, शॉप को ओपन किए हुए हमें 42 डेज हुए हैं अभी। अच्छा, और रिस्पांस कैसा आ रहा है? एंड रिस्पांस हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है एंड वी आर वेरी। कितनी आप सेल कर लेते हो चाय पिला पिला के लोगों को? मोर देन 300। तो यहाँ पे एक कस्टमर है जिनका नाम है अरुण, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ जी, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है यहाँ पे। तो तंदूरी चाय आपने ये फर्स्ट टाइम पी रहे हैं यहाँ पे, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त, औसम था। अच्छा, मसाला कड़क एकदम। आज तो आप देख रहे हो मौसम भी ठंडा आ रही है, आगे चाय जबरदस्त। इन्होंने एक चीज गलत कर रखी है ना। हाँ, क्या? पकोड़े नहीं देते ना चाय के साथ? चाय के साथ पकोड़े देने चाहिए, मौसम इनको एडवाइस देनी पड़ेगी, है ना, देनी पड़ेगी। तो यहाँ की चाय के लिए आप क्या बोलोगे? जबरदस्त है सर, मेरे अकॉर्डिंग। यस बिल्कुल। पूछ लो। तो भैया आपने चाय के बारे में चाय भी पी, सब तारीफ भी सब कर लिया एंड सब कुछ मेरे से पूछ लिया, अब आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको चाय कैसी लगी? यार चाय यहाँ की काफ़ी अच्छी थी, उसमें जो सबसे अच्छी बात है मुझे तंदूरी आइटम थोड़े ज़्यादा पसंद है, तो चाय का जो टेस्ट था ना उसमें मिट्टी के साथ साथ कुछ जो फ्लेवर आ रहा था वो तंदूरी भी आ रहा था, क्योंकि भैया हम मेहनत इतनी करते हैं और इतना टेस्ट डालते हैं ताकि कस्टमर जब हमारे पास आए ना तो वापस कहीं। मुझे बस जो वो थोड़ा सा जो फ्लेवर आ रहा था ना
जब चाय अंदर जाती है वो मुझे ज़्यादा पसंद थी। मैंने आपको बुलाया, अच्छा इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो किया एंड डाले मैंने अपने पोस्ट, इस वजह से आप आए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूड इज़ फूड अल्फा तंदूरी चाय पे आके उन्होंने आप वीडियो बनाई एंड रिव्यू दिया। थैंक यू सो मच। और लोगों को क्या कहोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? प्लीज़ तंदूरी चाय पीने जरूर आइए, दिल्ली में आपको हमारे अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल मूड इज़ फूड, क्योंकि भैया की पोस्ट एंड वीडियोज आप देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। थैंक यू।